आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे शख्स के बारे में जो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं SDM ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बारे में, लेकिन आज हम उनके विवाद पर बात नहीं करेंगे। दरअसल आज हम आपको उनकी लव स्टोरी सुनाने वाले हैं। तो हुआ यूं कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य दूर के रिश्तेदार हैं और सन 2008 में इनकी बातचीत आपस में शुरू हो गई। सन 2008 जब सरकार द्वारा यार बात करो योजना लॉन्च हुई, इसके चलते इन दोनों के बीच आपस में खूब बातचीत हुई। बातों का सिलसिला अभी जारी था और सन 2009 में इन्होंने एक दूसरे से प्यार का इजहार कर दिया। साल 2010 तक इन दोनों ने विवाह रचा लिया। उस समय आलोक मौर्य ग्रेड डी की नौकरी करते थे और उनके हिसाब से ज्योति के कहने पर उन्होंने शादी के कार्ड पर वीडियो लिखवाया था, जिसकी वजह से आज उन पर झूठ बोलकर शादी करने का इल्जाम लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ ज्योति का कहना है कि ये बात उनसे छुपाई गई थी कि वो वीडियो नहीं बल्कि ग्रेड डी की नौकरी करते हैं। शादी के बाद दोनों प्रयागराज चले गए, जहां से ज्योति मौर्य ने PCS की तैयारी और सन 2014-2015 में उन्होंने PCS का एग्जाम भी क्लियर कर लिया, जिसके बाद ये पूरा ट्रायंगल कांड शुरू हो गया। इसी विषय पर और जानकारी के लिए देखते रहिए ABP Live।